जय हिंद मैडम जी. जय हिंद. आपने हमें बुलाया. बैठिए. हुआ मैडम सर, कोई बात है? हाँ है. डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मेल आया है कि अब जब आपकी एग्जाम्स नहीं हो रही हैं तो आपका प्रमोशन हमारे थ्रू होगा, हमारी बनाई सीआर रिपोर्ट के थ्रू. हाँ तो बना दीजिए ना मैडम सर. आपको इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए हमारा ड्यूटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है. हमें आपके जज्बे पर कभी भी कोई शक नहीं था. इनफैक्ट हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं. लेकिन सच कहें तो हम थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपको वक्त क्यों चाहिए. SHO का काम बहुत जिम्मेदारी का काम है. इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर डिपार्टमेंट ने हमें इतना इम्पोर्टेंट काम सौंपा है तो हम चाहते हैं कि हम अपना वक्त लेकर अच्छे से डिसाइड करें ताकि बाद में हमें किसी बात का अफसोस ना हो. ठीक है. जय हिंद. एक मिनट. क्या हुआ? आज तक हमें कोई भी चीज मैडम सर आसानी से नहीं मिला है. हर चीज के लिए ना हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. तो फिर आप ये सीआर रिपोर्ट हमें कैसे दे देंगी इतना आसानी से? ये हमारी जो किस्मत की लकीरें है ना, इनको पसंद नहीं आएगा. आज 1 तारीख है. वो नवाब फजलुद्दीन इस जगह का मालिक किराया मांगने आता ही होगा. अब आपसे क्या छुपा है? थाने के खाते का हिसाब तो आप जानते ही हैं. कब से नील बटा सन्नाटा. 6 महीने हो गए हैं, खर्चे पाने का कुछ हुआ ही नहीं है. हाँ सही है. नाश्ते में हवा, लंच में गालियाँ और डिनर में कसम खाने को मिल रही है. बताइए पुष्पा जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों के लिए भोलेनाथ को परेशान करती है. आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, उसका बेहतरीन सलूशन है मेरे पास. है? अम्मा तो ऐसे बैठी क्यों हो? बताओ हमको, बताओ. शादी. शादी? शादी? संतु जी, वैसे तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, पर हमारी शादी का नवाब के किराए के साथ क्या है कनेक्शन? बिल्ली के ख्वाब में हमेशा मलाई दिखाई देती है. अरे मैं पुष्पा जी और नवाब की शादी की बात कर रही हूँ. क्या? पुष्पा जी जरा सोचिए, इधर बैठिए. अरे देखिए, अगर आपकी शादी उस नवाब फुसरुद्दीन से हो फजलुद्दीन हाँ फुसरुद्दीन से हो जाए तो आप इस थाने की मालकिन. अब जब थाना ही आपका होगा तो किराया मांगने कौन आएगा हमसे? कोई नहीं. अरे बोहरा गई हो तुम. दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम हमारी और उस नवाब की शादी की बात कर रही हो? शर्म नहीं आती तुमको? पुष्पा जी, इतने अच्छे लड़के में बुराई क्या, बताइए. लड़का? वो 80 साल का नवाब लहराता खंडर, कापती मीनार, वजूद के नाम पर लकीर, जिसके खुद के 25 लड़के हैं, वो तुमको लड़का लग रहा है? अरे हम तो पोती की उम्र गए उसके आगे. बेटी की उम्र क्या है? छोटी बहन? बड़ी बहन? हम आप तो क्या अम्मा बन जाए उसकी? इसका गला दबाओ वरना ये शुभ काम हम अपने हाथों से करेंगे. हाँ पुष्पा जी, पॉजिटिव साइड देखिए. अगर आप नवाब के साथ शादी कर लेते हैं तो आप यहाँ की मालकिन बन जाओगी. फिर कोई भी आप पर हुकुम नहीं चला पाएगा. कोई भी का मतलब समझते हो ना, कोई भी. तो घर पर भी आपका हुक्म चलेगा और यहाँ भी आपका हुक्म चलेगा. आ, आ, आ. ए बिल्ले, औकात में रह के बात कर हमसे. कोई है किसी का हिम्मत है जो हम पर हुक्म चला सके? चल तो रहा है भाई. जब से किसी को पता चला है ना कि हसना मैडम की परमिशन के बिना इनका प्रमोशन नहीं होगा, तो अपनी सीआर रिपोर्ट पे उनका दस्तखत पाने के लिए उनके आगे पीछे घूम रही है. कैसे? ऐसे. और उनका हर ऑर्डर मांग रही है, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए है ना. जय मैडम सर.
जय हिंद जय हिंद। मैडम सर आप कहीं जा रही हैं? हाँ बीट पर जा रहे हैं। क्यों? अच्छा वो आज एक तारीख है ना, तो नवाब आएगा किराया मांगने। हाँ फिर वो नवाब को संभालेगा कौन? वैसे करिश्मा मैडम है थाने की छोटी मोटी दिक्कतें देखने के लिए। ये हमारा काम नहीं है। सीआर रिपोर्ट चाहिए कि नहीं? क्यों कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं मैडम सर, वो नवाब को हम संभाल लेंगे, आप जाइए। ओके। ओ ओ अब मैडम सर। मैडम सर वो मुझे हाफ डे चाहिए था। क्यों? वो आप जानती हैं ना पुलिस हॉस्टल में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो 2-3 महीने के लिए कहीं और रहना पड़ेगा, तो मैंने सोचा मैं सनी के साथ जाके घर ढूंढ लूं। थोड़ी देर में यहाँ पर नवाब साहब आ रहे हैं। तुम जानती हो कि लखनऊ में उनके पास बहुत सारे घर और मकान है, तुम उन्हीं से बात करो, वो ही कोई अच्छा सा सूटेबल घर देख के तुम्हें किराए पर दे देंगे। गुड आइडिया, थैंक यू, मैं नवाब से पूछ लूं। हाँ मैडम सर, वाह क्या भौकाल, क्या मस्त अच्छा सा आइडिया दिए आप, एकदम मतलब चौकस आइडिया है आपका, थैंक यू मैडम सर। हाँ संतु जी, आप ना नवाब से बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं सनी उन्हीं के साथ जाने का, अंदर चलिए। तब बाहर बहुत गर्मी है ना संतु जी, प्लीज अंदर चलिए, प्लीज प्लीज। सलाम वालेकुम पुष्पा जी। अरे नवाब साहब, आइए आइए, नवाब साहब आए हैं, आइए आइए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। पुष्पा जी आपका चांस तो गया, नवाब तो दूसरी शादी कर लिया, तो इनसे मिलिए, ये है मोहतरमा पारो, हमारी किरायेदार। अभी भी चांस है, किरायेदार ही। अरे अभी अभी, एक महीना पहले आके रहना शुरू किया है इन्होंने हमारे मकान में। अरे कमाल के अकाउंटेंट हैं ये। नवाब साहब आप ही का इंतजार था। हमारे इंतजार से क्या होता है, ये बताइए कि हमारा भाड़ा इंतजार कर रहा है कि नहीं। नवाब साहब वो सब तो होता रहेगा है ना, वो क्या है ना कि पुलिस हॉस्टल जो है ना वो रेनोवेशन में जा रहा है, तो रहने के लिए भाड़े पे एक घर चाहिए था। तो ले लो। आप समझे नहीं। तो रहने दो। नहीं मेरा मतलब है कि आपकी तो इतनी सारी घर है शहर में है ना, तो बस 2-3 महीनों के लिए भाड़े पे अगर एक घर मिल जाता तो। किराए की टेंशन मत लीजिए आप, सरकार की तरफ से 3 महीने का एडवांस मिल चुका है। मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको निकाह करना होगा। निकाह? हाँ। रे नवाब साहब, हम ये बोल रहे हैं कि संतु जी से शादी का बात कर रहे हैं, देखिए जरा उनको कितनी मासूम से कितनी छोटी सी हैं, आपकी सबसे छोटी बेटी की भी छोटी बेटी की उम्र की है वो, जरा देखिए उनको, आप निकाह कब? तुम बड़े अहबक किस्म के इंसान हो मियाँ। अरे हम अपनी नहीं, अरे हम इनसे ये कह रहे थे कि एक अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो, क्योंकि बिना शादी के हम किसी को मकान देते ही नहीं है, समझे ना? क्यों भाई, कुमारी लड़कियों पे भरोसा नहीं है आपको? पुष्पा जी हमको खुद पर भरोसा नहीं है, क्या है ना कि अक्सर लड़कियां हमें देख के ना बेकाबू हो जाती हैं। भाई कशिश ही ऐसी पाई है खुदा के फजल से, निशाना तो कहीं और पे है। चलिए बाकी की बातें हम अपने कमरे में आराम से बैठ के करेंगे। हर महीने के 50,000 के हिसाब से 8 महीने का ड्यूरेंट हुआ 4 लाख और इंटरेस्ट मिलाकर 5,70,000। क्या क्या? हाँ मगर हेडक्वार्टर से कुछ फंड आया ही नहीं है, तो हम कैसे? कैसे? तुम इधर आओ, हम कुछ नहीं करेंगे, अरे लीगल एक्शन होगा, अब कोर्ट हमारा इस हवेली का किराया वसूल करेगा, समझे ना, अब हम यहां नहीं आएंगे, लीगल नोटिस आएगी हमारे वकील की। अच्छा मतलब केस करोगे? हाँ लीगल एक्शन करोगे, वो तो हम भी कर सकते हैं आपके खिलाफ। अरे हमने क्या किया? सेक्शन 188 के तहत मकान मालिक को अपने हर किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है, आप कराएं? नहीं कराएं ना,
इसका मतलब आपका इस शहर में जितना भी घर है उसमें जितने भी रहने वाले किराएदार है वो कुछ भी निकल सकते हैं। वो मुजरिम निकल सकते हैं, वो खूनी निकल सकते हैं, टेररिस्ट निकल सकते हैं, स्मगलर निकल सकते हैं। हाँ हाँ, और अगर ऐसा हुआ नवाब साहब तो बहुत लंबा जाओगे। अरे लेकिन हमारा कोई किराएदार ऐसा है ही नहीं। अच्छा, ये भी आपकी किराएदारी है ना? इनका वेरिफिकेशन हुआ है? किनका? इनका? अरे ये हमारी औलाद की तरह हैं। हमको इन पर उतना भरोसा है जितना अपने आप पर है। अच्छा, का नाम बताया आपने? जी, पारो। पूरा नाम का है? पार्वती सक्सेना और गोविंद सक्सेना इनके खाविद है। इनका आइडेंटिटी प्रूफ देखना है हमें, दिखाइए। इसमें तो पार्वती कौर लिखा है। कौर? कौर मतलब कौर कौन? वो कौर मेरा सरनेम है बाबूजी का। वो क्या है ना कि अभी नई नई शादी हुई है तो बस आधे डॉक्यूमेंट्स पे नाम अपडेट करवाना रह गया है। अच्छा, पति का क्या नाम बताया तुमने अपना? जी, गोविंद सक्सेना। काम कहाँ करते हैं? नौकरी करता है वो। कहाँ नौकरी करते हैं? दुबई में नौकरी करते हैं। साल में बस एक आध बार ही आना होता है उनका यहाँ पे इंडिया में। तो फिलहाल कहाँ है, दुबई में या इंडिया में? जी, दुबई में है। और कहाँ होंगे? फोटो दिखाओ। फोटो तो साथ में नहीं है मेरे पास। अम्मा क्या बात कर रही हो, फोटो तो साथ ही होता है पति का। आजकल फोन साथ होता है, फोन में तो होता ही है। दिखा फोन। वो दरअसल क्या है कि मैंने फोन नया लिया है तो पुराने मोबाइल में फोटोज थे ना, तो इसमें नहीं है। ये देखिए, मेरे मोबाइल में है क्योंकि मैंने हाउसिंग एग्रीमेंट के लिए इसको रखा था। ये देखिए, लेकिन ये देख लीजिए। जोड़ी अच्छी लग रही है। हो गई ना तसल्ली? और अगर ना हुई हो तो हम आपको फोटो भेज देंगे और आराम से आप तसल्ली कीजिएगा। और ये मत समझिएगा कि हम डर गए हैं, हम फिर आएंगे और इस बार हम अपने किराएदारों के वेरिफिकेशन कागज साथ में लेके आएंगे। चलो पारो। हेलो। हाँ हेलो, मैं बोल रही हूँ। वो आज मैं नवाब के साथ थाने गई थी किसी काम से, तो वहाँ पे ना पुलिस तुम्हारे बारे में बहुत सवाल कर रही थी। मुझे लगता है कि उन्हें मुझ पे शक हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये क्या करूँ? सुनो, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। बाय बाय बाय। चलिए मोटर माँ जी, आइए। एक चाय। हाँ जी संतोष जी। अरे इतना सैड सैड क्यों, कोई घर नहीं मिला क्या? अभी कहाँ, नवाब ने ना बोल दिया। सिंगल लड़कियों को घर नहीं देते वो, इसीलिए कहीं और ढूंढना पड़ेगा। पर कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। करिश्मा मैडम ने हमें ये नया काम दे दिया, इस कपल के बारे में पता लगाना है। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है, लाओ मुझे दिखाओ फोटो। अरे अबे अभी दिखाओ, मैं ढूंढता हूँ आपके लिए इस कपल का इन्फॉर्मेशन। तुम ढूंढोगे? हाँ तो जर्नलिस्ट हूँ, यही काम है मेरा। एक घंटे में इस कपल की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ना रख दी ना, तो मेरा नाम भी सनी चड्डा नहीं, घंटा एक। अरे गॉडफादर, चलो उधर, चलो इधर फोटो दो। जर्नलिस्ट है बेटा, तुम जर्नलिस्ट हो ना तो हम भी पुलिस वाले हैं और हम भी ढूंढ सकते हैं इसको, बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं, हमारा भी यही काम है। एक घंटे में ढूंढ लेंगे बड़े आए इस मार खान। संतु जी आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसका जो फोटो है ना हम अपने फोन में ले लिए हैं, हम इसको ढूंढ लेंगे। आप बड़े इत्मीनान से अपना मकान ढूंढिए हैं। ए बिल्ले हंस क्या रहा है बे?
नहीं नहीं, पुलिस को किसी को ढूंढना होता है तो हम जैसे चोरों की मदद लेते। अरे इस कपल को तो मैं ही ढूंढूंगा, बिल्लू द स्पाई। चैलेंज कर रहे हो क्या बे? ए चैलेंज बराबर वालों को दिया जाता है। आ तो दे इसको। ओ चुप करो तुम लोग, करिश्मा मैडम ने मुझे काम दिया तो ये मैं ही करूंगी। ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। संतोष चीता सब लोग कहाँ हैं? करिश्मा मैडम से पूछिए, उन्होंने ही दोनों को पारो और उसके पति गोविंद का पता लगाने के लिए भेजा है, सब उन्हीं के पीछे पड़े। मैडम सर हमने सिर्फ संतोष को भेजा है, बाकी सब कहा है वो हमें नहीं मालूम। करिश्मा सिंह, हमने आपको सिर्फ नवाब साहब को संभालने के लिए कहा था, उनके पीछे किसी को लगाने के लिए नहीं। मैडम सर हमें ये मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, हमारे जजमेंट पे आप भरोसा कीजिए, हमारी छठी इंद्री है ना वो कभी हमको धोखा नहीं देती है, ये मामले में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी हमसे पहले सनी चड्डा बिल्लू या संतोष जी आए क्या? नहीं। आमा कुछ बकोगे भी कि बस सांप की तरह लहराते रहोगे? अरे ब्रेकिंग न्यूज है पुष्पा जी, ब्रेकिंग न्यूज है, ये जो पारो अपने आप को गोविंद की पत्नी बता रही है ना, दोनों के दोनों झूठे हैं। और ये जो गोविंद है ना उसकी दूसरी बीवी है और उसका नाम ना पायल है, पायल। फेक न्यूज। असली खबर तो इधर है मैडम, करेक्ट इन्फॉर्मेशन का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा। मुद्दे पे आओ। तो आ जाते हैं मुद्दे पे। मैडम करिश्मा जी एकदम सही कह रही थी, ये जो गोविंद है ना ये बड़ा जुगाड़ू आदमी है, पहले से उसकी हाँ, 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 पता है पहले से शादीशुदा है, फिलहाल दुबई में रहता है, उसका नया फ्लैट इंदिरा नगर में, फ्लैट का नंबर 102 है, मकान मालिक का नाम राजेश अरोड़ा है और उसकी बीवी का नाम पायल है। गलत गलत, बीवी का नाम है गायत्री, शास्त्री नगर में रहती है, फ्लैट नंबर है 227, मकान मालिक का नाम है इम्तियाज शेख, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी खुद मिलकर आ रहा हूँ, समझे? अरे हम तुमको बता रहे हैं पायल। जय हिंद मैडम सर, मैंने पता लगा लिया है, वो पारो का पति गोविंद के बारे में। हाँ, पता है उसकी शादी हो चुकी है और उसका बीवी का नाम पायल है। गायत्री है मैडम, गायत्री। पायल है मैडम, पायल। रागिनी है मनीषा। मनीषा श्रीवास्तव नाम है उनका। फ्लैट नंबर 305 मालवीय नगर, मकान मालिक श्रीनिवास राव। खुद मैं वहां गया हूँ, खुद फोटो दिखाया है, खुद कंफर्म किया है, खुद। एक मिनट, ये हो क्या रहा है? कौन है आदमी जिसने एक साथ 5-5 लड़कियों से शादी कर रखी है? वो उनका हस्बैंड है। हमा इतना कुछ तो हमने भी नहीं सोचा था, हमको लगा ये केस छिप के लिए, लेकिन ये तो मगरमच्छ निकला, इतना बड़ा जालसाजी। पता लगाओ कौन है ये गोविंद जिसने 5 लड़कियों को एक साथ बेवकूफ बना रखा है। जी मैडम सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। हाँ? कल सुबह पुलिस स्टेशन में बुलाया है। I'm sure it's about you. और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बाकी लड़कियों को भी बुलाया होगा। क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ पारो। कलकत्ता, कलकत्ता। मैं वहाँ चले जाता हूँ और तुम लोग बिना कहीं पे छुप जाओ, और अगर हो सके ना तो अंडरग्राउंड हो जाओ, मैं तो कहता हूँ। ओके, टेक केयर। हमने उन औरतों को 11 बजे बुलाया था मैडम सर, कोई भी नहीं आया। हमने पहले ही कहा था मैडम सर। उस वो पारो को फोन लगाइए। जी मैडम सर। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो और भी तो लड़कियां हैं, किसी को ट्राई करिए। जी मैडम सर। किसी का भी फोन नहीं लग रहा है मैडम सर। हमने कहा था मैडम सर कुछ गड़बड़ जरूर है, पुलिस का नौकरी में ना एक नजर ही काफी होता है।
किसी का भी नहीं लग रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.